तमाम लेडीज के लिए ये खास होने वाली है। अगर ज्यादा फ्रेश फ्रेश लगे तो वो हाइलाइटर जरूर अपने चेहरे पर अप्लाई करती हैं, जितने भी अच्छे ब्रांड का हो। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को, कुछ खवातीन को हाइलाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। दिस इज मी खुशबख्त खान और मेरे चैनल का नाम है खुशबख्त खान। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो से फायदा उठा सके। तो आज मैं अपने तमाम फ्रेंड्स के लिए, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए क्या लेकर आई हूँ? कोई रेमेडी लेकर नहीं आई। जी हाँ, ना ही कोई रेमेडी लेकर आई हूँ, ना ही किसी चीज़ का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो फिर मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ? आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है, उन तमाम लेडीज़ के लिए ये ख़ास होने वाली है जिनको हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइलाइटर तो मुझे भी पसंद है और तमाम लड़कियां जो ग्लो करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनका फेस बहुत ज्यादा शाइनी शाइनी लगे, बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रेश लगे, तो वो हाइलाइटर जरूर अपने चेहरे पर अप्लाई करती हैं। लेकिन कुछ खवातीन, कुछ लड़कियों को हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना चाहिए, चाहे जितना मर्जी महंगा हो, जितने भी अच्छे ब्रांड का हो। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को, कुछ खवातीन को हाइलाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो कौन सी खवातीन और कौन सी लड़कियां हैं जिनको हाइलाइटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि हम लोग मेकअप भी कर लेते हैं, बहुत अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छी बेस भी अप्लाई कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों से अपना मेकअप करते हैं, लेकिन फिर भी किन लोगों को हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो आज की वीडियो है हाइलाइटर के हवाले से कि कौन सी लड़कियाँ, कौन सी लेडीज़ जो हैं वो हाइलाइटर बिल्कुल भी ना यूज़ करें अगर वो चाहती हैं कि उनका चेहरा बहुत अच्छा लगे। आज ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप लोग हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं बग़ैर हाइलाइटर लगाए हुए। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है हाइलाइटर के हवाले से। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके फायदे की तमाम वीडियोस मिलने वाली हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते तो आप लोगों को बताते हैं हाइलाइटर के बारे में। आप लोगों के पास जितने मर्जी अच्छे ब्रांड्स के हाइलाइटर हों, तो किन लोगों को हाइलाइटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सी लड़कियां जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, आप लोगों के चेहरे पे अगर दाने हैं, इस तरह के आप लोगों के पिंपल्स हैं, तो आप लोग हाइलाइटर को अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के जो दाने होंगे, जो आप लोगों के पिंपल्स होंगे, जो एक्नी होगी, वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, उभरना। वो हाइलाइटर से एक चीज़ जो है वो हाइलाइट होती है, आप लोगों के जो पिंपल्स हैं, एक्नी है, वो हाइलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी ख्वातीन, ऐसी लड़कियां जिनके चेहरे पर पिंपल्स हैं, वो हाइलाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, उनके लिए हाइलाइटर ठीक नहीं। सेकंड नंबर पे कौन सी ख्वातीन जो हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें? सेकंड नंबर पर वो ख्वातीन जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, झुर्रियाँ जिनके चेहरे पर हैं, वो ख्वातीन अपने चेहरे पर हाइलाइटर का इस्तेमाल ना किया करें। क्योंकि अगर आप लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, आप लोग हाइलाइटर लगाएंगे, अपनी इस जगह पर अक्सर हम लोगों को आ जाती हैं रिंकल्स। जब हम लोग यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो हमारी जो रिंकल्स होती हैं वो नुमाया नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी ख्वातीन जिनको चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, वो ख्वातीन हाइलाइटर से गुरेज करें, वो हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें। थर्ड नंबर पर वो ख्वातीन, वो लड़कियां हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें जिनको ओपन पोर्स का इशू है। यहाँ पर हमें ओपन पोर्स का इशू होता है, यहाँ पर हमें ओपन पोर्स का इशू होता है, यहाँ पर अक्सर लड़कियों को ओपन पोर्स का इशू होता है, यहाँ पर ओपन पोर्स का इशू होता है।
तो ऐसी लड़कियां, ऐसी खवातीन जिनको ओपन पोर्स का इशू है, वो भी हाइलाइटर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगी तो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो नुमाया नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हर किसी की नजर फिर आप लोगों के चेहरे पर पड़ेगी। बेस से आप लोगों ने जितनी भी तमाम निशान छुपाए हों, हाइलाइटर से वो तमाम चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसी खवातीन, ऐसी लड़कियां जिनके चेहरे पर पिंपल्स, रिंकल्स, ओपन पोर्स का इशू है, वो लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों को हाइलाइटर बहुत ही पसंद है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का चेहरा चमके, ब्राइट लगे, आप लोगों का चेहरा बहुत फ्रेश लगे, तो फिर आप लोगों ने मुझे करना है कमेंट। मैं आप लोगों को हाइलाइटर के अलावा कोई एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आप लोगों को तमाम जो इश्यूज भी होंगे उससे आप लोगों का चेहरा जो है वो हाइलाइट होगा, आप लोगों के जो चेहरा है वो चमकेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं उन तमाम लड़कियों के लिए जिनके लिए हाइलाइटर लगाना मुनासिब नहीं, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगी और उनको बताऊंगी कि उनको हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए तो क्या लगाना चाहिए। तो ऐसी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी और बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप लोगों को हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो है, आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है और ढेर सारा सपोर्ट करना है, क्योंकि आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी मुझे लाइक नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी और आप लोग उन वीडियोज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो है, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है, ढेर सारे सपोर्ट करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।